और ये दावत इफ्तार बाई KMC पार्क सर्कस मैदान, और यहाँ पे कुछ ही पल में ममता बनर्जी तशरीफ़ लाने वाली हैं, तो अभी उन्हीं का इंतज़ार है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ ही पल में ममता बनर्जी यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी कुछ ही पल में तशरीफ़ लाने वाले हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम यहाँ पे देखने को आ रहा है। अंदा हाय कीजिए एक बार ज़रा। और कुछ ही पल में ममता बनर्जी का आगमन होगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं कुछ ही पल में। आपको लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे, ममता बनर्जी यहाँ पे तशरीफ़ ला रही हैं बहुत जल्द, और इंतज़ार हो रही है उन्हीं का। सरफराज खान का एक कमेंट है कि मुसलमान इसको अपना विकास सोच रही है, पता नहीं ये कमेंट्स क्यों दिया इन्होंने। नहीं, हम नहीं। तमाम यहाँ शख्सियत मौजूद, हर धर्म के गुरु यहाँ पे हैं, देखा जा सकता है। हर धर्म के गुरु यहाँ पे मौजूद हैं। शब्बीर साहब भी है यहाँ पे तशरीफ आवर हैं। आसिफ साहब कुछ कहना चाहते हैं, ममता बनर्जी अभी तशरीफ़ ला रही है, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक तो आप सबको रमज़ान मुबारक, और दीदी को बहुत बहुत बधाई कि इतने पीसफुली, जहां पर पूरे देश दुनिया में इतना माहौल ख़राब है,
हम दीदी को और दीदी के नेतृत्व को लीडरशिप को सलाम करते हैं और कहते हैं कि इस रमज़ान पाक में एक बंगाल वाहिद एक ऐसी जगह है जहां पर पीसफुली रामनवमी भी हो गया, नवरात्रि भी हो गया और रमज़ान कंटिन्यू और इंशाल्लाह आने वाले ईद पूजा जितने भी चीज़ है वैसे ही चलेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुरु जी से भी थोड़ा सा रिव्यू लूँगा। गुरु जी, ममता बनर्जी अभी आ रही हैं, इस इफ्तार दावत दिया गया है यहाँ के एमसी की तरफ से, क्या कहना चाहिए? ধর্ম আমার ধর্ম তোমার উৎসব সবার, এটাই আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির স্লোগান। আজকে আমাদের কলকাতা কর্পোরেশন কর্তৃক এই দাওয়াত ইফতার, আমাদের এখানে হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান জৈন শিখ সকল ধর্মের মানুষ আমরা একসাথে থাকি। মমতা ব্যানার্জি সেই আদর্শের প্রতীক। আজকে ইফতারের দিদির উপস্থিতি এবং সব ধর্মের মানুষকে দেখে তিনি সেই বার্তাটা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, আমরা আন্তরিকভাবে তাকে ধন্যবাদ জানাই। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज पाक सरकस मैदान में कॉर्पोरेशन की तरफ से जो दावत इफ्तार इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पर चीफ गेस्ट है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जी और भी तमाम हजरात यहाँ तशरीफ फरमा रहे हैं, बहुत सारे धर्म के धर्म गुरु भी है। यहाँ से एक सेकुलर पैगाम हम देना चाहते हैं, हम सब तमाम धर्म गुरु मिलकर, के मजहब के नाम पर कभी बंटवारा या मजहब के नाम पर कभी दंगा फसाद ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और तमाम मजहब के लोग एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे भी चलते थे और आगे भी इंशाल्लाह चलेंगे, बस यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब। है मैं इनसे भी रिव्यू लूँगा, क्या कहना चाहेंगे? आज ममता बनर्जी तशरीफ़ ला रही हैं इफ्तार दावत इफ्तार में, क्या कहेंगे? यही हमारे बंगाल की तहजीब है और यही हमारे बंगाल की शान है कि जहाँ पर हिंदुओं के त्यौहार में हमारे मुसलमान भाई शरीक होते हैं, मुसलमानों के त्यौहार में हिंदू सिख ईसाई सब शरीक होते हैं। आप देख रहे हैं कि आज दीदी ने इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा दावत इफ्तार ऑर्गेनाइज़ किया और यहाँ पर किसी फ़िरके की किसी मसलक की कैद नहीं है, हर तबके का आदमी यहाँ पर आ रहा है और वो इफ्तार में शरीक हो रहा है। ये माह रमज़ान की बरकत है और ये अल्लाह का फजल व करम है कि माशाल्लाह बंगाल में हम सारे समाज के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं, ना कोई हिंदू ना सिख ना ईसाई, आपस में है सारे भाई भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे और भी मैं बता दूँ कि यहाँ पे इनसे भी मैं रूबरू होऊंगा, क्या कहना चाहेंगे? दीदी आज इफ्तार में दावत कबूल की है केएमसी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा जोर से बोलिएगा दीदी। पहले दिन से भी जो है हमारे बंगाल के लिए एक मैसेज दे रखी है कि ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सब धर्म समानता के साथ रहते हैं, कोई भी जो है भेदभाव नहीं है। जबकि दूसरे प्रदेशों में जो आज का दौर चल रहा है उस हिसाब से आज हमारी जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है बहुत शांत है और हमें खुशी है कि हमने ऐसी दीदी को पाया है जो सबके साथ लेकर के चल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस इफ्तार दावत इफ्तार में जिस तरह से ममता बनर्जी भी तशरीफ ला रही है? देखिए, ये इफ्तार पार्टी आज नई नहीं है, ये हमेशा ममता बनर्जी जब से चीफ मिनिस्टर बनी यहाँ पे शानदार और बड़ा खूबसूरत सा समा बनता है। इफ्तार पार्टी कॉरपोरेशन कलकत्ता कॉरपोरेशन से होता है, कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर जनाब फिराद हकीम साहब ने इसका ऑर्गेनाइज करते हैं और यहाँ पे देखा जा रहा है कि हर वो समुदाय के लोग, हर वो धर्म के लोग, हर वो जात के लोग यहाँ पे आकर बैठे हैं। आपने देखा कि यहाँ पे भिक्कू महाराज जी बैठे हैं, स्वर्ण सिंह सी बैठे हैं, पंजाबी सिख जैन सारे लोग यहाँ पे बैठ के इफ्तार करते हैं और मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा इफ्तार पार्टी हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलता, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा इफ्तार पार्टी। क्या कहना चाहेंगे तशाम साहब? देखिए, अनेकता में एकता बंगाल की विशेषता यही दिखलाना दर्शा रहा। आप जो टेबल में देखिए हर कम्युनिटी के, तो ये बंगाल रियासत एक ऐसा रियासत है कि समझ लीजिए कि यहाँ भाई हम लोग मतलब डिफरेंट मजहब के हो सकते हैं लेकिन हम लोगों का सोच एक है और भाईचारा है। देखिए, ये सारे लोग, हम लोग तमाम लोग यहाँ पे जो मौजूद है, ये भाईचारा का मैसेज हम लोग देना चाहते हैं कि बंगाल थिंक टूडे, इंडिया थिंक टुमारो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ ही पल में ममता बनर्जी यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं देखने को, और कुछ ही पल में आएंगी और यहाँ पे देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हजरात से गुजारिश है कि आप लोग इत्मीनान से बैठे, एक मिनट रह गया है और
नहीं नहीं चले जाएंगे पूरा भाई 26 से आगे नहीं बढ़ेगा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आप इफ्तार करें। अल्लाहुम्म लक अस्मतु व बिका अमंतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। अस्सलामु अलैकुम।